तो हेलो बडीज, राम राम, क्या हाल चाल। आज के न्यू वीडियो में तो आज की मॉर्निंग हो रही है नेपाल के काठमांडू जिले से, जिला है ना, जो भी हो, काठमांडू से। अभी हम लोग मस्त देख रहे हो भाई, फुल नहा धो के तैयार हो चुके हैं, मैं और दिव्यांशु भी, इसको देखो कैमरा मैन बन रहा। राम राम। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं पशुपति। भाई रात में हम लोग आए थे, बहुत थके आ रहे थे। और भाई साहब को मैं एक कांड बता रहा हूँ, तो मैं जो मैं बता रहा था, ये बंदा मैं रुक एक मिनट, हाँ सॉरी, देखियो ऊपर तो, अरे भाई तो ये बंदा भाई रात को बस में टेंट छोड़ दिया। इस बंदे को पता था हम लोग पहाड़ पे जाएंगे, जंगल में जाएंगे, 24 आवर चैलेंज करेंगे, टेंट हमारा वहां घर रहेगा। भाई होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं भाई। भाई दूसरी बार हुई है, पहली बार। टीवी देख रहे हो, पुराने जमाने का। छोड़ो यार गंदी बातें, नहीं उठा के इसके सर पे मारूंगा, फूट इसका सर फूट जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। भाई अभी तो ढूंढ रहे हैं, बस स्टैंड गया था, बस स्टैंड जाने के बाद नहीं मिलने वाला। पता चला कि मतलब वहां से जो बस आती है रात में, मतलब 12 घंटे बाद यहाँ से वापस जाती है। चलो रहने दो, अब तो नहीं मिलने वाला, छोड़ो भाई, टेंट गया, अब नया खरीद लेंगे। और वैसे भी आज हम लोगों ने सोचा कि अब बस भाई नेपाल में और ज्यादा नुकसान नहीं कराना है, ठीक है, बहुत नुकसान हो गया, नुकसान पे नुकसान, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, पशुपतिनाथ जी के मंदिर देख लो भाई। अभी बज रहे हैं 7-8 बज गए, 7 मतलब 8 बजने में 2 मिनट कम है, तो वही 8 बज गए, निकलना है क्योंकि हमें 12 बजे चेकआउट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी पशुपतिनाथ में चलते हैं। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं रूम पर से, मतलब चेकआउट नहीं किया है, वैसे ही बस घूमने के लिए निकल गए, जैसे कहा मैंने बताया था। और भाई मैंने जस्ट अभी ना भाई, अब पता नहीं, बट मैंने टेस्ला देखा, वो टेस्ला का लोगो 100% है। मैं भाई मेरे से गलती नहीं हो सकती है भाई, मैं अपनी आंखों, भाई मेरे को अपनी आंखों पर विश्वास है यार, मैं खुद टेस्ला का लोगो देखा उस टेस्ला गाड़ी के ऊपर, रेड कलर की थी भाई। मेरे को शुरुआत में लगा उरुस है, बट फिर जब मैंने लोगो देखा तो देखा भाई टेस्ला है, फॉक नेपाल में टेस्ला वही नहीं था, और ये मान नहीं गया। तो भाई फाइनली बस उतर चुके हैं, और भाई बता रहा था टेस्ला, भाई पता नहीं क्यों बट मेरे को लग रहा था वो टेस्ला ही है। पर छोड़ो अब टेस्ला का टॉपिक, हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल ना। अभी जस्ट ये पीछे गेट पार किया भाई, बस वाले ने बोला ही नहीं कि भाई पशुपतिनाथ आ गया, वो तो अच्छा हुआ मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखा था, कहीं तो मैप काम आ रखा। लेकिन इंडिया में नहीं होगा इंडिया में भी होगा इंडिया में पता नहीं कौन से गली में घुसाएगा, बोलेगा हाँ तुम पहुँच गए। बट छोड़ो फाइनली पहुँच गए हैं भाई, अभी चलते हैं, देखो सामने है भाई काफ़ी लोग, मेरे को नहीं पता था भाई नेपाल के भी लोग हर मंडे को जाते हैं लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ, शिव जी का मंदिर है शिव जी के पास। हाँ भाई, हाँ तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं, और यहाँ से देख रहे हो पीछे यहाँ का पशुपतिनाथ का टेम्पल स्टार्ट हो गया, मतलब सारे मार्केट है पीछे। पहले तो अपन चलेंगे वहाँ पे, क्या कहते हैं, मंदिर पूजा कर लेंगे बढ़िया से, फिर आप लोग को पूरा मार्केट व्यू देंगे, पूरा मार्केट में घुमाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भाई एक बंदी थी, वो गीता बेच रही थी, बोली चाहिए, मैंने बोला नहीं दीदी मेरे पे है ऑलरेडी, मैंने पढ़ रखा। तो अभी चलते हैं भाई मंदिर, आप लोग को मंदिर का दर्शन कराते हैं, खुद करते हैं, फिर वापस आकर आपको मार्केट दिखाएंगे टोटल। तो भाई हमारे ठीक जो बगल में दिख रहा है ना पीछे रेड रेड, वो भाई जूता चप्पल का लॉकर का जगह है देख लो। तो अगर तू भी वही है, अगर आप लोग आ रहे हो तो आप अपना जूता चप्पल आराम से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिना बोर के जल्दी से निकलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। तो भाई फाइनली, हाँ बाल हो जाए ठीक, तो भाई फाइनली गेट पे पहुंच चुके हैं, राम आटी पीछे गेट, श्री पशुपतिनाथ मंदिर जी का, मतलब श्री पशुपतिनाथ जी का। भाई ये लाइन देख रहे हो बड़ी, ये भाई पीछे 500-600 मीटर तक लग रखी है, अब पता नहीं वो कैसी लाइन है। और एक तो हम लोग डायरेक्ट घुस जा रहे हैं अंदर, अब ये पता नहीं कैसे, अब अंदर जाकर पता चलेगा भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। ओ ये भी शायद शिवलिंग ही है, मतलब शिवलिंग ही है, आओ दिखाते हैं। तो भाई दिव्यांशु फिर से कैमरा मैन चुका है, आओ दिखाते हैं ये। तो भाई पूजा के साथ साथ पीछे चलो, तो भाई पूजा के साथ साथ आप लोग को भाई दिव्यांशु दिखा भी दिया है, क्योंकि कैमरा मैन रहता है साथ में, तो ठीक है, भले ये बंदा कभी कभी रिकॉर्ड सही नहीं करता है, बट हाँ ठीक है, पता नहीं ये कैसा रिकॉर्ड किया हुआ। अब हमारे ठीक पीछे लाइन, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन जानते हो कैसा है, मैं बोला ना अंदर जाकर पता चलेगा, ये लाइन है भाई, तुम अगर मंदिर के
गेट पे जाकर दर्शन करोगे तो ये लाइन लगो समथिंग 800-900 मीटर की लाइन है, और वरना बाहर से दर्शन करना है तो ऐसे। अब आए तो भाई गेट तक दर्शन कर ही लेंगे, बट हमारे पास टाइम है सिर्फ 11 बजे तक, तो हमें 11 बजे तक दर्शन करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। बस कितना रहा है, समथिंग 10 बज रहा है ना, देखते हैं 9:20 यानी 10 बज रहा है। तो भाई फाइनली मतलब 10 से 15 मिनट ढूंढने के बाद मंदिर का गेट मिल चुका है, देखो ये ठीक है हमारे पीछे बस श्रीपति। ओके तो मैं क्या बोल रहा था कि मंदिर मिल चुका है, ये रहा गेट और पीछे इसके ठीक मंदिर है, और इसको देखो फोटो खींच रहा है अंकल लोग का, नॉइस खींच लो नॉइस। वन से कैमरा मैन ऑलवेज अ कैमरा मैन। तो भाई फाइनली गेट पर आप पहुंच गए, एकदम गेट के पास ही है देखो, ठीक सामने हमारे गेट है। और भाई हम दिव्यांशु वेट, तो भाई अभी जस्ट यहाँ पता चला ये जो चल रहा है ना वहाँ पता चला कि मोबाइल फोन्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर ले जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो शायद ही हम आप लोग को कैमरा दर्शन करा सके, बट हाँ आई विल ट्राई कि फुल दर्शन करा सके। देखो यहीं पर चेकिंग हो रहा है, ठीक है तो अभी मिलते हैं कुछ टाइम में। तो भाई हम लोग कुछ से जितना हो सका उतना मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश किया, हमें बस बाहर का आप लोग को व्यू दिखा देना था, क्योंकि आप लोग का भाई अगर आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो जरूर थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे। तो भाई देखो भाई हमारा दर्शन हो गया, आप लोग का सॉरी भाई नहीं करा पाया क्योंकि फोटो वीडियो नहीं अलाउ है, और भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ भाई वो अगर नहीं अलाउ है तो भाई क्या फ़ायदा यूज़ करने का, तो बस जितना हुआ मैंने आप लोग को मतलब जितना हुआ नहीं उससे आगे मेरे को से हो सकता था, बट मैंने ट्राई नहीं किया, सोचा छोड़ो अब रहने दो इतना ही करते हैं क्योंकि अलाउ तो है नहीं। तो भाई अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना वहाँ के ठीक सामने से बागमती नदी निकल रहा है, ये देखो ये रही। तो भाई ये मंदिर के ठीक पीछे ऐसे निकलती हैं, तो
बस देख लो आप लोग, अभी वापस से चल रहे हैं, अभी वापस से चल रहे हैं बाहर, तो देखते हैं कुछ होता है दिखाते हैं, वरना बाहर बाहर से ऊपर से सारा व्यू दे देंगे और बाहर चल के बताते हैं भाई मंदिर कैसा है, अंदर हमारे भगवान महादेव कैसे हैं, तो बाहर चल के आप लोग से बताएंगे। नंदी जी को तो आप लोग देख ही लिए होगा, ऊपर से वीडियो में मैंने दिखाई दिया है, तो बाहर चलते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। तो भाई कुछ थोड़ा बहुत महादेव की हेल्प से और थोड़ा बहुत हमारी कोशिशों से महादेव के दर्शन हो गए, जान मतलब थोड़ा सा स्पेस था भाई, हम घुस गए। इंडिया के लोग भाई बहुत हेल्पिंग है, असल में नेपाल वाले उतने हेल्पिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग कहते हैं आजा घुस जा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, बट हाँ अरे उधर चले क्या पीछे की साइड में लेट हो जाएगा नहीं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग थे, वो लोग बोले पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, तो हम लोग चार पांच लोग के पीछे गए, बट हाँ महादेव महादेव के वजह से महादेव की कृपा से हम लोग का दर्शन अच्छे से हो ही गया, मतलब अच्छा खासा हो गया। और आप लोग से बोला था ना बाहर चल के बताता हूँ कि भाई महादेव वहाँ के कैसे हैं, मतलब पशुपतिनाथ जी कैसे हैं, तो बताता हूँ भाई। देखो जो उनका स्टैचू है, वो मूर्ति है, उन चारों तरफ सर है और उनके ठीक सामने एक छोटे से नंदी जी हैं। तो भाई गाना बज रहा था उस वजह से मैंने उधर व्लॉग करना रोक दिया, सामने छोटे से एक नंदी जी हैं और हेलो व्हाट तो भाई वो भी व्लॉगिंग कर रहे थे, अभी व्लॉगिंग कर रहे थे, क्या दिक्कत है। छोटे से नंदी महाराज है जिनका आप लोग आराम से पूजा कर सकते हो, और गेट के बाहर आप जैसे निकलोगे ना वैसे एक और वो गोल्डन कलर में नंदी जी हैं छोटा, जो ऑलरेडी वीडियो में आ रखे हैं, तो मैं जूम करके ऑलरेडी डिटेल करके बता दिया हूँ, दिखा दिया हूँ वीडियो में, आप लोग देखे होंगे। और उस नंदी जी के पीछे एक और नंदी जी है, वो सबसे बड़े हैं, सबसे विशाल हैं, यहाँ के सबसे विशाल नंदी जी हैं, वो बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं, आप ऑलरेडी वीडियो में देख लिए होंगे। तो बस भाई इतना ही, यहाँ के पशुपतिनाथ जी में यही थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिया आप लोग की वजह से, कुछ महादेव की वजह से और कुछ हमारी कोशिशों की वजह से। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना वापस यहाँ से शूज लेंगे, और ये रहे हमारे एक लास्ट बार, देख लो यहाँ पे बसे हुए हैं पशुपतिनाथ जी, और बस बढ़िया से दर्शन हो गया आप लोग के लिए, अब मतलब मेरे लिए और अपने परिवार के लिए मैंने मांग लिया जो मांगना था, आप लोग को भी दर्शन हो ही गया होगा, आप लोग भी मांग ही लिए होगा। जैसे नंदी जी देखो सबसे बड़े मैसेज के कैरियर होते हैं, तो नंदी जी से जो भी मांगो वो मतलब फुल दिल से मांगोगे तो 100% वो पूरा होगा ही होगा, ठीक है। तो भाई अभी मार्केट में है वहाँ के पशुपतिनाथ जी के, तो भाई ये रहे पशुपतिनाथ जी, ये रहे। हाँ कितने का है प्राइस? 300 नेपाली डॉलर। हाँ बेटी का वो आने वाला। तो भाई वो जो फोटो था ना वो नेपाली पैसे में 300 रुपये, यानी हमारे वहाँ कितना 100 का 150 होता है, 200 का, हाँ 200 का है, हमारे पैसे से 200 का है वो। और भाई अगर काढ़ा वाड़ा ले रहा है तो भाई काढ़ा वाड़ा सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, शंख भी है, शंख ये देखो भाई, शंख कितने का है? शंख नेपाली 700 और ये हाथों में पहनने वाले 10 रुपये, 50। एक मिनट भाई हम लोग कुछ खरीद लेते हैं फिर आप लोग को मिलते हैं। भाई यहाँ के बंदे शॉपकीपर देखेंगे भाई वीडियो बना रहे हैं, भाई प्राइस ही हाई कर दिए, ठीक है भाई। ओए चंदन की लकड़ियाँ, एवरीथिंग अवेलेबल, शिवलिंग लेना, नंदी जी का वो स्टैचू लेना, वो भी अवेलेबल, एवरीथिंग अवेलेबल, ओके। एक गोटी नेपाली 1 रुपये का, एक ओ वाओ भाई ये देखते हैं पहले, एक मिनट दिव्यांशु। तो भाई ये देखो दिव्यांशु बनवा रहा है अपने नाम के लिए, ये छोपरी लोग नहीं पहनते हैं क्या दिव्यांशु? दिव्यांशु छोपरी लोगों को नहीं पहनते हैं? नहीं भाई, परफेक्ट छोपर। तो महादेव लिखवा लो, महादेव तुम्हारी मर्जी, महादेव लिख दो, नॉइस। अब छपरी नहीं, अब सही है, बहुत सही। ये देख रहे हो भाई ये ले चले गया एक, बताओ जल्दी कमेंट डाउन, आप लोग बोलोगे पक्का ले लेंगे।
भाई दिख तो सही रहा है, अभी चेक करते हैं भाई दिव्यांशु नाम लिखवा ले। तो भाई हमारे जैसे थावे में होता है ना ये मिलता है ना, ये यहाँ पे मिलता है, पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ो, ऐसे ही पकड़ो, ठीक है भाई। बाल इग्नोर कर दो, ये देखो भाई ये 1500 का है भाई, बहुत चुकीला है ये, बहुत चुकीला है, मान जाओ भाई सही है, बस वीडियो पर वो चाहना ना, दिक्कत ना है। ये 1500 का है, ये देखो ये बड़ा वाला 2000 का, आप कमेंट करो तो हम ले लेंगे, ठीक है। मेन दिक्कत जान दो क्या है भाई, छोड़ो, मेन दिक्कत जान दो क्या है, हमें बॉर्डर पे रोक लिया जाएगा, यहाँ पे एक इंडियन जो जिसे हाथ कर लिया ना एक रुपए पर मोती था, ठीक है वो तो ठीक है, बट ये जो बगल बगल में ला रखे है ना, ये भाई उसने की दिया 10 रुपए पर, यानी टोटल इसे पड़ा 150, यानी इंडियन में 100 रुपए, देख रहे हो कितना बड़ा ठग, इसको ठगाया वो, फुल्ली स्कैम, कोई बात नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, महादेव आ गए, अब हाथों में महादेव को लेकर घूमेगा ये, यहाँ पे महादेव का बहुत चीज है जो आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं चाहता तो इसको हटवा दिया होता तो हाँ पैसा कम हो गया रहा था, अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता यार, अच्छा लग रहा है, ऐसे भी ठीक लग रहा है, और खराब होगा तो घर पे जाकर वो कर देना, दान कर देना। तो भाई मैं बोल रहा था ना कि वो जो हथियार आपको दिखा रहा था वो मैं ले सकता हूँ भाई, लेने का तो ले सकता हूँ, बट मेन दिक्कत जानते क्या है, बॉर्डर पे ना नेपाल बॉर्डर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेपाल में सब लीगल है, वो भी धार के साथ लीगल है, हमारे इंडिया में आप तलवारें रख सकते हो, स्वॉर्ड्स रख सकते हो, बट धार के साथ नहीं रख सकते हो, बट वहाँ पे इंडिया बॉर्डर पे आप पकड़े जाओगे और फाइन मारेंगे, फाइन नहीं मारेंगे, डायरेक्ट जेल डालेंगे, ठीक है ना। और बट एक चीज़ है, वो जो कह रहा था ना, एक बंदा जो बना के दिया, वो भी इंडियन था, वो भी शायद गोरखपुर सीतापुर के आसपास का था बंदा, वो बंदा बोल रहा कि घर लेकर जाओ आप बॉर्डर पे, अगर लेके जा रहे हो तो बोल, अगर पकड़े गए तो बोल देना कि भाई बांस काटने के लिए ले जा रहे हैं, और बांदू। और अगर नहीं पकड़े गए तो कंबल के अंदर मोड़ो लेकर जाओ, स्कैन होता है भाई यहाँ पे, देखो नहीं बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा कंबल ना, तो भाई लेके जा सकते हैं, बट रिस्क है, आप कमेंट करो तो आएंगे तो ले लेंगे। अभी एक बार और आना है पोखरा के लिए, अभी हम लोग घर निकलना है, बताते हैं क्यों निकलना है, आगे पहले यहाँ से निकल जाए, देख लो बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो भाई अभी हम 12 बजे रूम पर निकलना है, क्योंकि 12 बजे चेकआउट करना है, 12 बजे अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो हमें 700+ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो हमें नहीं पे करना है, इस बंदे की वजह से हमने इस पर ऑलरेडी ये ठगा गया बेचारा, ये कोई बात नहीं, इसको स्कैम हो गया, मैंने बोला मत करा, इंडिया में ले लेना, बट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह गया इसका पैसा गया, तो जगह जगह की बात, अभी 700 और नहीं बर्बाद करना है, जल्दी चलते हैं रूम में, फिर आप लोग से मिलते हैं, बाय बाय। हाँ तो भाई मैं बताना भूल गया, मतलब हाँ तो भाई आज पहली बार सोमवार है और दूसरी बार नागपंचमी है, आज दोनों चीज़ है, तीसरी बात हाँ सावन चल रहा है, सावन चल रहा है, सही बात है, आज सावन का सोमवार है, तो आज मैं ट्रिप पर हूँ, आज मैं व्रत, बहुत बढ़िया, कहीं बेहोश हो गिरा तो ये टांग ले जाएगा। और पहली बात यहाँ पर अगर सोच रहे हो फल खाने का तो 200-250 रुपये दर्जन केले मिल जाएंगे, 300-500 रुपये किलो वो सेब मिल जाएंगे, यही है, महंगाई है यहाँ, महंगाई बहुत है, क्योंकि यहाँ का करेंसी जो है वो हाँ। आपको पता है कि ज्यादा भाई, बाय द वे मेरे को उसी हिसाब से लिया जाता है, बाय द वे मेरे को प्रसाद मिल गया, नाग बाबा का दर्शन भी हो गया, महादेव का दर्शन हो गया सावन में, वो भी सोमवार को नागपंचमी के दिन, बहुत है मेरे लिए, बस अब चलते हैं रूम पे, बाय बाय। तो भाई अभी एक चीज बताना, तो भाई अभी एक चीज बताना, छोपड़ी दिख रहा है नहीं, प्रो लेवल, कौन सा लेवल, प्रो लेवल, आओ फोटो लेते हैं, ये बॉय बॉय रहने दो, ये मैं डिस्काउंट कर दूंगा भाई, नहीं नहीं भाई ये रहने दो भाई, 650 होने वाली था, रहने दो, कितने में दे दोगे बताओ ना, कितने में दे दोगे, ज्यादा में नहीं बोला आपको, कितने में चाहिए वो बोला, हम बहुत कम बोलते हैं, 150 से 200 वो 100 रुपए का मीडियम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहने दो अब, रहने दो अब भाई, आप बोलने लगे 200 भाई, मेरे को पता है इंडिया मेरे को सस्ता मिल जाएगा, चलो भाई बहुत लेट हो गया, जल्दी भागो बस के लिए। हाँ तो भाई फाइनली रूम पे पहुंच चुके अपने, और ये देखो भाई टाइम 12 बज गया, मतलब 12:03 हो रहा है, इधर इसमें दिखेगा और समझ भाई 12:03 हो रहा है, बस जान जाओ झूठने बोलेंगे। और भाई अभी हम लोग जस्ट रूम में पहुंचे, हमें चेकआउट करना था 12 बजे, जल्दी जल्दी बैग पैक करते हैं फिर निकल चेकआउट करते हैं, यहाँ से निकलेंगे अब वापस घर जाएंगे, हमें पोखरा का प्लान था बट सॉरी भाई पोखरा नहीं जा पा रहे हैं, अब कभी और एक बार और आएंगे यहाँ पर नेपाल, उस टाइम पोखरा चलेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट डाउन करना, और भाई वीडियो को भी शेयर जरूर करना, देखो
कुछ तो करो यार, घर पे बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ भाई ये बोलने क्या मतलब था? नहीं मतलब मेरा मतलब ये था कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, हमारा वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भाई प्लीज, मजाक सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले किसी मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए मजाक सोचो, मिलते हैं अगले किसी मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, खत्म।